अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जो हैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैरिन स्कॉलरशिप ऑफ चाइना 2019 जो आया है उसके बारे में डिटेल देना, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है। अब उसके अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती हैं, फर्स्ट वन पे ज़ेमान यूनिवर्सिटी है, ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी है, ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना एंड टोंगजी यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कॉलरशिप कंसिडर है, मतलब कि स्कॉलरशिप में ऐसे आती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस अपनी एप्लीकेशन अपनी वीडियो में बताया, मफकोम स्कॉलरशिप पर जो हमने बनाई थी कि उसके अंदर भी 26 डिजाइन यूनिवर्सिटीज से जो स्कॉलरशिप को कंसिडर करती हैं, ऐसे ही इस स्कॉलरशिप को भी ये चार यूनिवर्सिटी कंसिडर करती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट बता दूँ, जैसा कि आपने मफकोम देखा नाम डिफरेंट था लेकिन स्कॉलरशिप वो CSE का ही था, इसको हम कैटेगरी ए में लेके गए। ऐसे ही मैरिन स्कॉलरशिप, ये भी CSE का ही स्कॉलरशिप है लेकिन नाम चेंज है, जस्ट फुली फंडेड है। वही मराहत हैं जो आपको CSE देगी, वही आपके पास बेनिफिट्स हैं जो CSE ऑफर करती है। बैचलर प्रोग्राम्स हैं, मास्टर प्रोग्राम्स हैं, PhD प्रोग्राम्स हैं, डेडलाइंस हर यूनिवर्सिटी की वैरी करती है, वैरी टू वैरी। अब हम चलते हैं इनके मेन वेबसाइट्स की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अगर तो आप चाइना की वेबसाइट्स पर जाएँ तो मेन वेबसाइट जहाँ से आपने देखा होगा CSE है, campuschina.org मरीन स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पर तकरीबन तमाम डिटेल वही चीज़ है जो आप CSE के लिए कंसिडर करते हैं या CSE के लिए आप लोगों ने कंसिडर की, आप लोगों ने पढ़ी, इसकी रिक्वायरमेंट देखी, एलिजिबिलिटी देखी, एप्लीकेशन प्रोसीजर देखा, सेम वही प्रोसीजर है। स्कॉलरशिप क्या होगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मास्टर के लिए कितने ईयर का होगा, PhD के लिए कितने ईयर का। लेकिन फिर भी मैं पता चलूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज में जस्ट मास्टर और PhD ही होता है, बैचलर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे कुछ चंद प्रोग्राम्स हैं जो बैचलर में एक यूनिवर्सिटी में ऑफर किए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज बैचलर ऑफर नहीं करती हैं। ये आप लोग यहाँ से डिटेल भी कर सकते हैं, इसकी क्या होगी, कितना अलाउंस होगा, कितना मंथली स्टाइफंड होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ मोस्टली मास्टर और PhD का ही है। ताकि सारा प्रोसीजर वही है कि आपने टाइप बी सेलेक्ट करनी है, ये इनके एजेंसी कोड है, जैसा कि लिखा हुआ इसका ये है, इसका ये है, इस यूनिट का ये है और इसका ये है, आपने अपनी अपलोड करने है, अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को बाय हैंड सेंड कर देना है टू दी यूनिवर्सिटीज। अब ये तो थी सिंपल, आपने CSE पर देखा। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ें, तो आपको कन्फ्यूज होगी कि हमने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं है, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने कैसे कैसे स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। अब इसको दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी मेन वेबसाइट्स की तरफ। जैसा कि अब सबसे पहले हम आते हैं ये यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ज़ेमान यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ मैरिन स्कॉलरशिप 2019। अब यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, ये भी बताया कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब इनकी मेन वेबसाइट पे अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे गूगल पे लिखें मैरिन स्कॉलरशिप चाइना 2019, या देखें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ज़ेमान यूनिवर्सिटी है, ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी है, एक ये वाली है जो मैंने आपको बताया, वो टोंगजी यूनिवर्सिटी को आई हुई थी वो है। तो आपने यहाँ पे जाकर वन बाय वन चेकअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल वही है कि जी आप नॉन चाइनीज होने चाहिए, टू कैन फॉर्म अ कोस्टल आइलैंड कंट्री ऑफ द साउथ चाइना एशिया, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक एंड इट्स सराउंडिंग आइलैंड कंट्रीज, अमेरिकन। ये सिंपल वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने ऑलरेडी देखी नहीं। एकेडमिक्स प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऑफर किए, तमाम मोस्टली जो है इसमें इंग्लिश और चाइनीज प्रोग्राम है, चंद एक हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम है। उसके अंदर ये देखें यहाँ पे चाइनीज की लिस्ट है जो आप देख रहे होंगे, साउथ चाइना इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर उनके प्रोग्राम गिवन है, फिजिकल, मैरीन केमिस्ट्री, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन फलाफला, एनवायरमेंटल साइंस, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो सारे तकरीबन चाइनीज में हैं। इंग्लिश टाइप प्रोग्राम में कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूँ, मैरीन अफेयर्स है सिंपल, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए मैरीन अफेयर्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, इकोलॉजी है, ये इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, मास्टर प्रोग्राम 2-3 ईयर्स है, जैसा कि मैंने बताया कि चाइनीज लैंग्वेज कोर्स है तो आपको 1 ईयर के लिए चाइनीज पढ़ाई जाएगी, डॉक्टरल ये हो गया। ये आपको वो बता दी गई स्कॉलरशिप कवरेज, सारा कुछ वही बता दिया गया कि आपको 1 कैंपस अकोमोडेशन फी ऑफ दी फलां 700 पर मंथ फॉर मास्टर एंड दी फलां होगा, लिविंग अलाउंस 300 मंथ फॉर मास्टर होगा, 3500 फलां होगा। इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है, इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है यकम फरवरी टू अप्रैल 15, 2019। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस स्कॉलरशिप के लिए 13 डेज अवेलेबल हैं। अब इसमें हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर इस स्कॉलरशिप अगर लिखा हुआ है तो एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर द मास्टर स्टडी, ये सिंपल गाइडलाइन है, आप यहाँ पर लिंक क्लिक करके यहाँ से आप जो है इनकी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये जनरल चीज़ें हैं, मैंने पढ़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
तो अप्लाई करने का पहला तरीका यह है कि एप्लीकेशन शैल मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी के पोर्टल पर अपने करना है, टाइप डी सेलेक्ट करनी है, एजेंसी नंबर ये देना है और एप्लीकेशन को फिल करने के बाद प्रिंट आउट करना है। दूसरे नंबर पे आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है जिसका यहाँ पर लिंक गिवन है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये स्कॉलरशिप फॉर्म जो आपने सीएससी के पोर्टल पर अप्लाई किया वो फॉर्म भी आपने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने दोनों पोर्टल्स पर अप्लाई करना है। जबकि जो चाइना की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यहाँ पे नहीं बताया गया कि आपने अलहदा से यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये बात मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी की आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा जी, ये होने के बाद उन्होंने लिखा था नोट एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट अ कंप्लीट सेट ऑफ एप्लीकेशन मटेरियल एंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट ऑफ होल एप्लीकेशन मटेरियल विल बी रिजेक्टेड। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना है और द फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड एज इफ वॉ इन जुलाई या अर्ली अगस्त में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। इस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपने सेंड करना है वो यहाँ पे मैंशन है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे करना है क्या नहीं करना। यूनिवर्सिटीज के पोर्टल बहुत आसान होते हैं, मैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ कि आपने कैसे क्या फिल करना होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो वो हमें बता दीजिएगा, हम कोई एक पोर्टल आपको फिल करके बता देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, ये देखें स्कूल ऑफ द ओशन एंड द अर्थ साइंसेज टोंगजी यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने जिक्र किया इसकी सबसे पहले बताते चलूँ डेडलाइन क्या है 15 अप्रैल 2019। मतलब ये हुआ कि इसके लिए भी आपके पास 13 डेज अवेलेबल है। मेजर अब इसमें कौन कौन से डिग्रीज हैं, मेजर अफेयर रिलेटेड मेजर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिग्री कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग स्कूल्स। ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप्स एंड फीस ड्यूरेशन फॉर द मास्टर प्रोग्राम 2 to 3 years सेम वैसे ही है, पीएचडी के लिए उतना है, 3000 MBA फॉर मास्टर है, 3500 फॉर बैचलर है। हाउ टू अप्लाई, अब सिंपल ये प्लीज डाउनलोड द अटैच यहाँ पे लिखा है कॉल फॉर द एप्लीकेशन मैरिन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अभी देखें ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। इतना मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द अटैच पीडीएफ फाइल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस स्कॉलरशिप की डिटेल जो है इस यूनिवर्सिटी की इस पीडीएफ फाइल में गिवन है। अब हम इस पीडीएफ फाइल को देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज है। जैसे कि बता चुका हूँ डेडलाइन 15 है, एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता है, मेजर मैं बता चुका हूँ कौन कौन से लिखे गए हैं, ओशन एंड अर्थ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, लॉ, स्कूल ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग एंड साइंस, सारा कुछ बता चुका हूँ। फॉर मास्टर प्रोग्राम जो लिंक गिवन है आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्टर प्रोग्राम के लिए गिवन है, लिंक आप इन लिंक को कॉपी करके देख सकते हैं। स्कॉलरशिप फीस कितने ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम चलते हैं मेन प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर क्या, यहाँ पे देखें सिंपल, यहाँ पे भी सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फिल करना है सीएससी के साइट पर जाके, इनका एजेंसी नंबर गिवन है, उसके बाद आपने क्या करना है यूनिवर्सिटी का लॉगिन फिल करना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया सीएससी के साइट पर ऐसा कोई जिक्र नहीं था, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब होगा आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी भी है फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसकी जो है एप्लीकेशन फी भी है इस यूनिवर्सिटी की, तो वो कितनी है, मे बी 400 हो सकती है, 600 हो सकती है, कम भी हो सकती है, आप वो पे करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल हार्ड कॉपीज ऑफ द मटेरियल लिस्टेड इन द पैकेज बिलो शैल बी सेंड टू द स्कूल ऑफ द ओशन। आपने फिर क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन डिवीजन को सेंड कर देना है। ये यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट गिवन है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या करना है कैसे करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। अब आप ये देखें एक और यूनिवर्सिटी है ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, मैरीन स्कॉलरशिप है। इसकी जो मेन बात ये है वो मैं आपको बताता चलो, इसकी डेडलाइन पास हो चुकी है 31 मार्च 2019 इसकी डेडलाइन थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैरीन स्कॉलरशिप की तमाम कंप्लीट गाइडलाइन जो थी वो यही थी जो मैंने आपको बताई कि क्या होगा कैसे होगा किस तरह से आपने करना होगा। अगर अब भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे तो मैं इस वीडियोज़ के एंड पे इनके लिंक्स भी दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं अप्लाई कर पा रहा या उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है कैसे करना है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है।
इस वीडियो में कमेंट कर सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा कि देख रहे होंगे कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे तमाम वीडियो जो भी जैसा कि आप देखें, तमाम स्कॉलरशिप जितने भी स्कॉलरशिप अब तक चाइना के, जापान के, कोरिया के, यूके के, अमेरिका के या कहीं के भी स्कॉलरशिप आए हैं उन पर कंप्लीट गाइडलाइन विद एप्लीकेशन सबमिशन हम लोगों ने वीडियोज बनाई ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर फिर भी आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, किस नाम से है जैसा कि आप देख रहे हो कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से है, सेम हमारी प्रोफाइल लगी हुई है जिसका हमारा मतलब है लेट योर ड्रीम टेक फ्लाइट, योर ब्राइट फ्यूचर और फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कोशिश करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि हम लोग मिलजुल कर अपने फ्यूचर्स को क्रिएट कर सकें, किसी पर डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट हो सकें। और इस वीडियो का मकसद बस यही था आप लोगों को गाइडलाइन देना, तमाम डिटेल मैंने बताई। इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ रह गया जो आप लोगों को नजर आए और ना समझ आए तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने ईमेल नंबर, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, ग्रुप में भी है और यूट्यूब चैनल पर भी दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।